माफिया अतीक अहमद और अशरफ के मर्डर पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की भी एंट्री हो गई है। अनिल विज ने विपक्ष द्वारा मर्डर पर उठाए जा रहे सवालों पर खुद सवाल उठाए हैं। अनिल विज ने विपक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वाह रे विपक्ष, जब अतीक के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम का इनकाउंटर हुआ तो विपक्ष ने कहा कि उनको शूट क्यों किया, पकड़ा क्यों नहीं। अब जब अतीक और अशरफ को गोली मारी गई तो पुलिस वालों ने हमलावरों को पकड़ लिया तो विपक्षी नेता कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं मारी। वारे भारत के विपक्ष, जब अतीक अहमद के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम का एनकाउंटर हुआ तो आपने कहा कि गोली नहीं मारनी चाहिए थी, उनको जिंदा पकड़ना चाहिए था, सजा देने का काम आपका नहीं है, उनको कोर्ट के हवाले करना चाहिए था। और अब जब अतीक अहमद और उसके भाई अरशद पर किसी ने गोली मारी तो पुलिस ने गोली मारने वालों को तुरंत पकड़ लिया, और अब आप कह रहे हैं कि आपने गोली क्यों नहीं मारी, पुलिस क्या कर रही थी? आपका दीन और ईमान क्या है ये लोग जानना चाहते। बहरहाल माफिया अतीक अशरफ की हत्या के मामले में पूरे देश से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन हरियाणा में नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। हरियाणा कांग्रेस के साथ ही दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मर्डर पर कोई भी बयान नहीं दिया। हालांकि कुछ नेता दबी जुबान में उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़ा कर रहे हैं। गौरतलब है कि माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात प्रयागराज में हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले जा रही थी। पत्रकार साथ साथ चलते हुए अतीक और अशरफ से सवाल कर रहे थे। इसी बीच तीन हमलावर पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आए और अतीक और अशरफ के सिर में गोली मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अंबाला से कृष्ण बाली, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।